बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स का लेक्चर नंबर जो है वो लास्ट लेक्चर लेंगे। हमारे न्यूमेरिकल्स हैं आज, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है और चैप्टर नंबर 8 कि आज हमने बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स, और वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने आज करने हैं। सबसे पहले 8.1 को देख लें, आपने इसको एग्जांपल में भी देखा हुआ था। तो बेटा सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें आप। बुक का बेटा मेरे साथ पेज निकाल लेंगे, ये पेज नंबर बेटा 192 है। और 192 पर उसने कहा है टेम्परेचर ऑफ ए वाटर इन अ बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने जो आपको टेम्परेचर दिया है सेंटीग्रेड में, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्हाट इट्स इज वैल्यू इन फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट के अंदर आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारी एग्जांपल भी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करवाई थी। तो ये बेटा देखें अगर आप 8.3 एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। तो ये दिखा हुआ कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस स्केल इनटू फॉरेनहाइट स्केल। तो बिल्कुल बेटा यही सेम है हमारे पास। तो फॉरेनहाइट का बेटा आप फार्मूला जानते होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉरेनहाइट का फार्मूला, और वो है F=1.8C+32, ठीक है बेटा। अब C की जो वैल्यू है वो आप इसमें पुट करेंगे, 1.8 × 50 हो जाएगा, प्लस 32 करेंगे, कैलकुलेटर से बेटा आप इसे चेक कर लेंगे, ये आंसर आपके पास 90 आ जाएगा, प्लस करेंगे 32, आपके पास आंसर आ जाएगा 122 फॉरेनहाइट, ठीक है बेटा। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जो कि हमने पहले एग्जांपल 8.3 भी में हमने उसको पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। तो इसमें दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बाद, कि उसने आपको टेम्परेचर दिया हुआ था सेंटीग्रेड में, आपने फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना था। फार्मूला आपको आता है 1.8C+32, और C के अंदर C की वैल्यू को पुट करेंगे, 1.8 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर 90 आएगा, उसमें 32 ऐड करेंगे, 122 फॉरेनहाइट आपके पास बेटा आंसर निकल आएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लें ज़रा आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है आपके पास, 98.6, यानी टेम्परेचर उसने दिया हुआ आपको फॉरेनहाइट में वो कितना है 98.6 फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, और वो कह रहे इसे सेल्सियस में भी कन्वर्ट करो और केल्विन में भी कन्वर्ट करो, यानी कि आपने टेम्परेचर को सी में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक होगी जी बेटा बात। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जब आपको सर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कि F=1.8C+32। अब वैल्यू बेटा आपको पता है कौन सी दी हुई है, आपको फॉरेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, तो आप उसकी जगह पर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1.8C आपको नहीं पता, प्लस 32, प्लस का जो 32 है वो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 98.6 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1.8C आ जाएगा आपके पास। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, मैं साथ साथ बेटा आपको कैलकुलेटर से सॉल्व भी करवा देता हूँ, आप मेरे साथ जो है वो निकाल भी लेंगे और इसको समझ भी लेंगे, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, ये देख लें मैं आपके सामने कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ अपना, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लें, उसे ऑन कर लें, 98.6 - 32, उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। अब मुझे जस्ट इक्वल टू का बटन प्रेस करना है और आप देख रहे हैं 66.6 आंसर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 66.6 आंसर लिख दूंगा, 1.8C। आपको तो बेटा सिर्फ C चाहिए, आप इसको 1.8 पर डिवाइड कर देंगे, ये देखिए मैं डिवाइड का बटन प्रेस कर रहा हूँ, 1.8, और ये मैंने इक्वल टू का बटन प्रेस किया और बेटा आपके पास आंसर आ रहा है, देखें ज़रा, उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आंसर आ रहा है। तो बेटा हमने क्या किया था, 66.6 को
डिवाइड किया 1.8 पर और हमारे पास जो आंसर निकला वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने बेटा सेंटीग्रेड में आंसर निकाला है। केल्विन में जब आंसर निकालना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है कि जो आपके पास सेंटीग्रेड में टेम्परेचर हो उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो 37 में हम ऐड कर देंगे 273 को। तो ये आपके सामने 37 नज़र आ रहा है, मैं प्लस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद 273 का बटन मैंने प्रेस किया, आपको सामने मैं इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया मैंने और 310 केल्विन आपके पास आंसर आ गया। तो ये बेटा 310 केल्विन आपके पास आंसर आ गया। इसको ज़रा एक दफ़ा फिर दोबारा देख लेते हैं और अच्छी तरह से दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा था कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट है, सेंटीग्रेड में भी इसको कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं फारेनहाइट का वही है, एफ इजिकल टू 1.8 सी प्लस 32। फारेनहाइट की जगह फारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, 1.8 पुट करेंगे, 32 की जगह पर 32 पुट करेंगे। अब प्लस 32 हो रहा है उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 98.6 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने भी कैलकुलेटर से चेक किया था वो 66.6 है। 1.8 सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर निकल आएगा। अब आपका काम क्या था कि आपने इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो दिया जाता है सेंटीग्रेड में आंसर उसके अंदर 273 को आप ऐड कर देते हैं, तो 273 ऐड करने के बाद ये 310 केल्विन आंसर निकल आया। ठीक है बेटा, ये दो न्यूमेरिकल हो गए आपके। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, 8.3। ठीक है, इसी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, यानी आपने डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑफ ए एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी दी हुई बेटा, ओरिजिनल 2 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं T1 कह देता हूँ इसको और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड तो बेटा आप जानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, केल्विन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें 273 आप ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास आंसर निकलेगा 273 केल्विन। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, 220 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 2 जो होगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसमें भी 273 ऐड करेंगे आप और आंसर निकलेगा 293 केल्विन। तो डेल्टा टी अगर आप निकालना चाहते हैं, जो कि फार्मूले में हमने डेल्टा टी यूज़ करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेल्टा बेसिकली जाहिर करता है चेंज को, बाद में बाद का बच्चे पूछ रहे होते हैं सर ये डेल्टा क्या चीज़ है, तो डेल्टा का मतलब है चेंज, ठीक है। तो 293 केल्विन में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 केल्विन को, तो आपके पास बेटा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 20 केल्विन, ठीक है जी। उसके बाद उसने बेटा आपको क्या दिया हुआ, द थर्मल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि अल्फा की जो उसने आपको वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 2.5 मल्टीप्लाई 10^-5 केल्विन इनवर्स, ठीक है बेटा। तो अब आप डेल्टा एल का फार्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ आर्टिकल से, ताकि आपको जहन में आ जाए कि ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी। ये बेटा आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला यहाँ पर, आई होप कैमरे ने फोकस कर लिया होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो मैं बेटा यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो अब देखिए क्या आपके पास अल्फा एल नॉट डेल्टा टी तीनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, तो देखा जाए तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, हम तीनों की पुटिंग कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू 2.5 10^-5, एल नॉट की वैल्यू कितनी आपके पास बता 2 है, डेल्टा टी कितना आपके पास, देखिए एल नॉट की वैल्यू ये दी हुई है और डेल्टा टी की वैल्यू ये दी हुई है और अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डेल्टा टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 20 केल्विन पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपने 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 40 आंसर आएगा। अब ज़रा देख लें बेटा कि इसको सॉल्व कैसे करना आपने, कैलकुलेटर पे बेटा मेरे साथ साथ करेंगे। ये देखें ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 2.5। अब बेटा ये जो मेरे पास कैलकुलेटर आपको नज़र आ रही है, एक सादा कैलकुलेटर है, आम तौर पर
ज़्यादातर लोगों के पास इसी तरह का कैलकुलेटर होता है। तो आप बेटा यहाँ नीचे मल्टीप्लाई 10 की जगह पर ये exp का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप कैमरे ने फोकस कर लिया होगा, आप बेटा इसको प्रेस करेंगे। बाज़ अच्छे क्वालिटी वाले जो कैलकुलेटर थोड़े से कॉस्टली कैलकुलेटर्स होते हैं उधर यहाँ मल्टीप्लाई 10 लिखा होता है, ठीक है। तो आप ये बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद जो उसकी पावर है, पावर क्या है हमारी -5, ये माइनस का बटन प्रेस किया, ये 5 का बटन प्रेस किया, और इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो बेटा ये आपके पास आंसर आ रहा है 1 × 10^-3। ये मीटर में निकला है, तो अगर आप बुक में चेक करें तो बेटा उसने आपको आंसर दिया हुआ सेंटीमीटर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 0.001 मीटर होगा, क्योंकि 1 − 3 का मतलब होता है नीचे जाके +3 हो जाता है, और +3 का मतलब है 1/1000, और 1/1000 का क्या मतलब है, आप इसको 1000 पे डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास आंसर ये निकलेगा। अब आपने इसको कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, तो एक मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं जी बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। देख लें बेटा इस क्वेश्चन में दोबारा जरा, उसने आपको कहा है कि डेल्टा एल इन इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल एल्युमिनियम रॉड की जो लेंथ थी वो 2 मीटर थी, टेम्परेचर 0° C था शुरू में, जिसमें 273 ऐड किया 273 केल्विन बन गया, टेम्परेचर 2 यानी कि 0 से 20° C टेम्परेचर तक आपने फाइंड आउट करना था, 273 उसमें ऐड करेंगे 293 केल्विन बन जाएगा, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारे पास 20 केल्विन बन जाएगा, अल्फा उसने हमें दिया हुआ है, डेल्टा एल का फार्मूला हम जानते हैं, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, एल नॉट की जगह एल नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे। 220 × 40 होता है, जैसे मैंने कैलकुलेटर से आपको करके दिखाया, इस 2.5 × 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर निकलेगा 1 × 10^-3 मीटर। अब बेटा आप ये देखें, ये 0.001 मीटर निकल आया, तो आपको मीटर में नहीं आंसर चाहिए, बुक वाले ने आपको आंसर दिया सेंटीमीटर में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप हटाएंगे मीटर की जगह पर लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। और आगे अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 4, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ और 4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा जी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट देख ले जरा, अ बलून कंटेन 1.2 m³ एयर, ये उसने बेटा आपको ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया, आपको वो कितना दिया है 1.2 m³। एक बलून है जिसमें 1.2 m³ की एयर है और किस टेम्परेचर पर है, T1 मैं कह देता हूँ 15° C है, आप जानते हैं सेंटीग्रेड में है, ये केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर क्या निकलेगा 8 केल्विन बन जाएगा। अब बेटा किस टेम्परेचर पर जाके वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, 40° C पर, T2 कितना डिग्री है बेटा 40° C है, आप जानते हैं कि सेंटीग्रेड हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आप इसमें 273 ऐड करेंगे ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास बेटा जो आंसर बन जाएगा 313 केल्विन हो जाएगा, ठीक है बेटा। डेल्टा टी उसी तरह से निकालेंगे आप, वो क्या बन जाएगा T2 − T1, और बेटा इसके बाद आप देख लें जरा ये क्या है 313 केल्विन −288 केल्विन, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा 25 केल्विन। अच्छा उसके बाद बेटा देख लें आगे क्या कह रहा है वो आपसे, वो फाइंड आउट करने को कह रहा है वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर, यानी कि आपने V फाइंड आउट करना है, जबकि उसने आपको और क्या चीज़ दी हुआ, उसने आपको बीटा दिया हुआ है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि बीटा, और बीटा की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है 3.67 × 10^-3 केल्विन इनवर्स, ठीक है जी बेटा। तो अब बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा, तो बच्चा बता सकते हैं जी कौन सा फार्मूला यूज होगा जी, जरा रिकॉल करें लेसन को, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा था बेटा V = V0 × 1 + β Δt,
तो बेटा आप वैल्यूज की पुटिंग करेंगे जरा, वी नॉट की वैल्यू ये देखिए आपके पास लिखी हुई है 1/2 m³ और इंटू 1+ बीटा की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ दी हुई है देखिए जरा 3.67 मल्टीप्लाई 10^-3 केल्विन इनवर्स। मैं जरा इसको रेस कर लेता हूँ, यहाँ पूरा नहीं आएगा केल्विन इनवर्स। और डेल्टा टी बेटा आपके पास क्या है ये देखिए 25 केल्विन। अब बेटा इसमें ख्याल क्या करना है आपने, जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरतीब को फॉलो करना है, पहले इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है ठीक है जी। तो देख ले जरा किस तरह मल्टीप्लाई कराना है, मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए बेटा 3.67 मल्टीप्लाई की 10 की जगह मैंने बताया था बेटा ये exp का बटन आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये exp का बटन प्रेस करेंगे power-3 इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा 25 से, आपके पास बेटा आंसर देखिए ये देखिए उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा 0.09175। तो बेटा ये मैं लिख देता हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरतीब को फॉलो करना है, बस फर्स्ट स्टेप भी ठीक है यूनिट डाल दे बस 1+ और ये आंसर आया 0.09175। अब बेटा ये इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ +1=2 तो ये बेटा 1.2 × 1.09175 तो ये बेटा आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई 1.2 = प्रेस करेंगे तो बेटा आपके सामने आंसर आ गया 1.3101 m³। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3 m³ आपके पास आंसर निकल आएगा। तो बेटा इसमें देख लेते हैं क्या किया था, ओरिजिनल वाले उसने 1.2 m³ दिया हुआ है, 15°C टेम्परेचर था, इसे हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था, 40°C टेम्परेचर पर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था तो उसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकाला 25 केल्विन था, वी फाइंड आउट करना था, बीटा दिया हुआ है, वी का फॉर्मूला आप जानते हैं V0 1+β∆t है, वी नॉट की जगह वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, 1 की जगह 1, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू और डेल्टा टी की जगह पर डेल्टा टी की वैल्यू। अब बेटा सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेटर से तरतीब से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर निकला इसको 1 में ऐड किया, ये आंसर निकला इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर निकला इसे राउंड ऑफ करके ये आंसर निकाल लिया। अब बेटा 8.5 न्यूमेरिकल देख लें जरा, तो 8.5 न्यूमेरिकल की बेटा स्टेटमेंट में जरा मेरे साथ देख लेंगे आप लोग, 8.5 में क्या कह रहा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए आपको डेल्टा क्यू, ये बेटा आपने फाइंड आउट करना है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। मैस कितना दे दिया उसने आपको, 0.5 kg का टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं, कितने से टेम्परेचर 1 था 10°C, इसमें आप 273 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 283 केल्विन बन जाएगा, और किस टेम्परेचर तक करवाना चाह रहे हैं आप 65°C, यानी उसमें भी 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 338 केल्विन। अब बेटा इनका टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेंगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे लेंगे आप, डेल्टा टी T2 - T1। तो अब बेटा T2 क्या आपके पास 338 केल्विन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 283 केल्विन को, आपके पास आंसर निकलेगा 55 केल्विन ठीक है बेटा। उसके बाद आपने डेल्टा क्यू का फार्मूला लगाना है, आप जानते हैं डेल्टा क्यू का फार्मूला होता है MC∆T। अब डेल्टा क्यू मास आपको कितना गिवन है 0.5 kg, सी आप जानते हैं आपको गिवन होगा गिवन नहीं होगा लेकिन आपको याद होना चाहिए 4200 जाउल के जी इनवर्स केल्विन इनवर्स, और डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है बेटा आपके पास 55 केल्विन है। तो बेटा आप इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं जरा, मैं आपके सामने करवा देता हूं, आंसर 115500 निकलेगा
इसको लेकिन चेक भी कर लेते हैं। तो ये देखें बेटा 0.5, उम्मीद है आपको कैमरे पर नज़र आ रहा होगा, मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 55। बेटा इसको इक्वल टू का मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने आंसर निकला है बेटा, ये वेरीफाई हो गया। उम्मीद है बेटा मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल समझाए हैं, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।